रहे हैं पीटीएनआई न्यूज चैनल। सांसद शफीकुर रहमान बर्क के आवास पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के निवास पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव का हुआ जोरदार स्वागत। बता दें कि संभल में सांसद शफीकुर रहमान बर्क के निवास पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अखिलेश यादव ने नौजवानों पर भरोसा जताते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर सन 2022 के चुनाव में अपनी सरकार बनाएगी और बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनेगी क्योंकि वहां की जनता उनको पसंद करती है। ममता बनर्जी के साथ हुए हादसे को लेकर उन्होंने कहा कि उसकी जांच कर कार्रवाई की जाए और कहा कि बीजेपी कितनी भी साजिश कर ले लेकिन बंगाल में जनता ममता बनर्जी की ही सरकार बनाएगी। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए जनपद संभल से मुबारक अली की रिपोर्ट। सर पश्चिम बंगाल में सर ममता बनर्जी पर जो हमला हुआ सर उसको क्या मानते हैं? सही है, मुझे उम्मीद है बंगाल की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी जी को चुन करके भेजेंगी। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी साजिश कर ले, कितनी भी षड्यंत्र कर ले, कितने भी इस तरह की घटनाएं हो जाएं, लेकिन बंगाल की जनता जानती है कि उनकी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अगर कोई है तो ममता बनर्जी है। सर हमला हुआ है कि नहीं हुआ? सर हमला हुआ है कि नहीं हुआ? ये जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने भी हमला किया है या जिनके भी इशारे पे या घटना हुई है उसकी पूरा की पूरा खुलासा होना। Shop. Fuck it out!